तो ये कॉलेज में मतलब कोई पंखा की व्यवस्था ही नहीं है। और किस चीज़ का एग्जाम था, कैसा गया एग्जाम, ठीक है, कितने घंटे पढ़ते थे? 4 घंटा। तो क्या फिल्म वगैरह देखने में भी इंटरेस्ट है या सिर्फ पढ़ाई में? सिर्फ पढ़ाई करती है, फिल्म वगैरह नहीं देखती है? नहीं, अच्छा। तो क्या क्या आपको पसंद है सो बताइए। पढ़ाई पसंद है, आगे क्या करना चाहती है? तो बोले क्या करना चाहती है? चलिए बहुत बनना चाहती है, इनका शौक है, एक लड़की और निकली है और वो भाग रही है। आइए हम कुछ और भी लड़कियाँ निकलती है तो उनसे बात करते हैं कि वो आगे क्या करना चाहती है। तो मैम एक मिनट बताइए, ये सब भाग रही है, अच्छा अब भाग क्यों रही है बताइए, डर लगता है? मतलब सब हम लोगों को देखती है तो भाग रही है, अच्छा कौन सी का एग्जाम था? पॉलिटिकल साइंस। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। और बीए सेकंड ईयर का एग्जाम था, तब पढ़ाई में क्या मन? अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहती है आगे? बीए पढ़ के आगे यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुरुचि कुमार। कहाँ से आए हैं? कॉलेज का कंडीशन कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कुछ लड़कियां कर रही है कि कॉलेज में पंखा नहीं है, बहुत दिक्कत तो होता है। सब पंखा तो है, सब कुछ है। चलिए आगे, और व्यवस्था यहाँ का सब कुछ ठीक है। क्या फिल्म वगैरह में इंटरेस्ट है, देखते हैं? नहीं, पढ़ाई के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई के अलावा मैडम वीडियो देख करके अपना मनोरंजन कर लेती है ताकि दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाए। और एक जो मेरी एक बहन है जो शादीशुदा है, उनसे हम पूछते हैं क्या नाम हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। कहाँ से आई हैं? सीहोर से। सीहोर से। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? पॉलिटिकल साइंस। कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। कब शादी हुआ आपका? 19 में। लोगों का मानना है कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती है, तो इस पर आप क्या आप पढ़ाई करने में आपको ससुराल से कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती है, तो शादी के बाद पढ़ाई नहीं होता, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप शादीशुदा है तो बाकी लड़कियां कहती है कि शादी के बाद पढ़ाई होती ही नहीं है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप भागिए नहीं, थोड़ा सा बताइए। लोग कहते हैं शादी के बाद पढ़ाई करने में दिक्कत होता है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, मैटर भी इन्वॉल्व करता है कि किस तरह आपको कोई समस्या नहीं है। आगे क्या करना है? आगे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता तो आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। कहाँ से आई है? क्या नाम हुआ? तो इनके कहने का अर्थ ये है कि शादी के बाद भी महिला पढ़ाई कर सकती है और किसी को कोई समस्या नहीं होती है। तो एक मैम है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? आप एग्जाम देने आई थी? तो कब शादी हुई थी आपकी? 2007 में। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, कि इसे पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर गार्जियन का सपोर्ट हो, हस्बैंड का सपोर्ट हो तो आगे बढ़ सकती है शादी के बाद भी, उसको जहाँ तक पढ़ाई करने का इच्छा हो कर सकती है। अच्छा, शादी से पहले आप कितने क्लास तक पढ़ी? मैं मैट्रिक पढ़ी थी, फिर मेरे हस्बैंड इंटर कराए, फिर बच्चे सब हो गए तो बीच में ब्रेक लग गया, फिर अब बच्चे सब बड़े हो गए तो इच्छा की हस्बैंड बोले तुमको इच्छा है ग्रेजुएशन करने का तो तुम कर लो, अब तो बच्चे सब भी बड़े हो गए तो इच्छा हो गया तो फिर से ग्रेजुएशन कर। आगे कुछ करने का और इच्छा है? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोचेंगे, फिर जो दिल में होता है ना कि आगे
टीचर बनना है या कुछ और कुछ है आगे इसके आगे सोच के सोचते हैं कि अगर बीए कंप्लीट हो जाएगा तो बीए करके टीचर पे होगा तो लिखकर निकालेंगे। तो बाकी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने गार्जियन मम्मी पापा से लड़ाई करते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि शादी के बाद ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते हैं, तो उन लड़कियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, अगर दिल में अगर इच्छा हो लगन हो तो वो आगे शादी के बाद भी वो पढ़ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद वो पढ़ाई नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई लोग हैं, थोड़ा सा महिलाएं तो बहुत बोली, इनसे बोलते हैं। क्या नाम हुआ? किनको एग्जाम दिलाने आए हैं? लोग कहते हैं कि पति पढ़ाते नहीं है, तो इस पर आप क्या करते हैं? जोर से बोलिए। जो पढ़े लिखे नहीं है कैसे पढ़ा सकते? लोग का कहना है कि शादी के बाद लोग घर परिवार में उलझ जाती है, पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे होना ये होना, सास की सेवा करो, ससुर का करो, पढ़ाई नहीं करो, ये सब होता है गांव देहात में सब ज़्यादातर चलता है। लेकिन जिनके घर में अगर पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उन लोग तो नहीं चाहेंगे ऐसे कर। तो अपनी पत्नी को बेटी है? अच्छा सॉरी नहीं बताया। तो अपनी पत्नी को आगे क्या कराना है? टीचर बनाना है। कब कब शादी हुई आपकी? डेढ़ साल पहले। चलिए आगे क्या बनाने की इच्छा है? शिक्षा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे मानसिकता के लोग अगर रहे तो कोई भी लड़की शादी से घबराएगी नहीं और माँ बाप से नहीं लड़ेगी कि हम शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर और लोगों की मानसिकता हम जानते हैं। अंकल जी आप यहाँ पर एग्जाम दिलाने आए हैं? नहीं। तो मैं यहाँ का कर्मचारी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मेरी बात हो गई। क्या नाम हुआ आपका? तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ शादीशुदा कुछ कुमारी भी एग्ज़ाम देती है, बहुत लड़कियाँ शादी नहीं करती है कि हम पढ़ाई नहीं, और बहुत लड़कियाँ शादी करके बाद पढ़ाई करती है। कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, होता है ना, कुछ लोग का मानसिकता आज भी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इस पर आप क्या कह रहे हैं? अब हर माँ बाप चाह रहा है कि हम बच्चे को पढ़ाओ, लड़की हो या लड़का, सभी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। जो मजदूर भी है वो भी चाहता है कि हम कमा करके और बच्चे को डालेंगी और पीछे पढ़ाई में लगा दें। सवाल है कि जहाँ तक लड़कों लड़के और लड़कियों का सवाल हुआ है तो लड़की पर सरकार को जैसे प्राथमिकता इसको दिया है उसके हिसाब से उसको पढ़ाई में प्राथमिकता नहीं दे रहा है। जैसे अभी जेंट्स को भी लग रहा है 3300 रुपया फर्स्ट पार्ट का एडमिशन में, और बच्चियां को भी लग रहा है 3300 रुपया। ये नहीं होना चाहिए। जब आप इसको सशक्त करना चाहते हैं सशक्तिकरण के तहत भी ये आना चाहिए। हमारे यही आरोप है कि आपके चैनल के द्वारा बड़ी धन्यवाद मैं कहूँ कि आपका चैनल थोड़ा सा पूछ लिया हमसे, तो हमारी जो इच्छा है वो बताया। इसी कारण से जो बेटी को लोग नहीं पढ़ाना चाहता है कि उसको पैसा अधिक लगेगा। जी जी जी, अभी 100% यही है। गरीब तबका अभी भी बिहार में ज़्यादा है। गरीब कोई भी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है सही ढंग से। इसमें भी बड़ा लोग है वो थोड़ा जो है सो नाजायज ढंग से हो जायज ढंग से पैसा कमा नहीं सकता, बैंक बैलेंस कर नहीं सकता, ज़मीन खरीद नहीं सकता, नाजायज ढंग से कमाए हुए पैसा को अपने बच्चों में लगाता है, उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको चीनी की बीमारी हो जाती है, जो जैसे कमाता। हाँ, अब जैसे किसान में जाइए उसमें देखिएगा जो मजदूरी करके और रोटी रोटी खाता है उसके शरीर में उसके शरीर में काफ़ी मतलब विकास होता है। ये तो खैर बड़ी दूर की चीज़ होगी। बच्चे को पढ़ाना चाहिए, हर हाल में पढ़ाना चाहिए। माँ बाप चाहता है कि हम भले ही खाएँ या न खाएँ बच्चे को जरूर शिक्षा। कुछ लोगों की मानसिकता है कि बेटी को अकेले डेरा लेकर के नहीं पढ़ने देना चाहिए, माँ बाप के साथ ही रहे चाहे पढ़े या नहीं पढ़े। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना चाहते हैं कुछ वातावरण या कुछ गार्जियन की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है।
जब हम आत्मबल मनाना चाहते हैं अपने बच्चे को काफ़ी मजबूत, उसके लिए कुछ हमको त्याग करना और दिमागी शंका को हटा देना। हमारी बच्ची रोड पर जा रही है तो कोई झटक दिया, कोई सामने दिया, अरे लड़का को भी कोई झटकता है, लड़का को भी झटक देता है, लड़का को भी छू देता है। ये गार्जियन को अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा, उनके साथ साथ बच्चों की मानसिकता को भी मजबूत बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम एक बार आपका पैर छूना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम आपके बेटी की तरह हैं। इसके लिए आपको, आपके चैनल को बड़ी धन्यवाद देता हूँ। चले तो आशीर्वाद तो कम से कम मेरे सर पर हाथ रखकर देते हैं। जरूर जरूर, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप जय-जय कर रही है। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एकदम बहुत अच्छा है और बहुत खुश हैं कि हमारा विद्यार्थी हमसे कम से कम चैनल पर बात कर लिए। तो इसी कॉलेज से आखिर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आज उसी कॉलेज से हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। इतना लेट क्यों चल रहा है मैडम? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने यूनिवर्सिटी से कि सेशन इतना लेट क्यों चल रहा है? लेट का कारण बताए। 3 वर्ष का डिग्री 6 वर्ष में देता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है या कौन जिम्मेवार है? उससे हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को कब तक सुधारा जाए। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। कब ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया? 2019 में मैं एडमिशन लिया हूँ और अभी 22 चल रहा है, जो कि हमारे पीछे जितने भी साथी है उसका भी कोर्स पिछवाया हुआ है और अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। 3 वर्ष के कोर्स को लेकर 6 वर्ष किया जाता है, 4 वर्ष को 8 वर्ष किया जाता है। इस तरह की कब तक चलेगा, इस पर सरकार पे सवाल उठता है। सरकार इस चीज़ को कब तक अपने संज्ञान में लेकर जल्दी से सेशन टाइम पर करेगा? ये जब हम भी चाहेंगे कि इन लोग जो बोल रहे हैं कि इनका सेशन हम लोग 3 साल 2 साल पीछे है, तो उन पर थोड़ा ध्यान देने के लिए कहेंगे। नहीं नहीं, इससे हमको बहुत सारे वैकेंसी है जो कि हम नहीं भर पाते हैं, टाइम पर ना होने के कारण हमको बहुत सारी दिक्कत होती है। आज का इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि हम उसको संभव कर पाना असंभव है, ताकि अगर टाइम पर देता है तो मैं कोई फर्म जो निकलता है उसके तहत हम अपने टाइम पर इस चीज़ को क्लियर करके हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन है, वो सिर्फ इन्हीं का नहीं, सरकार से हम और लोगों से जानते हैं कि जो इनका समस्या है औरों का भी है। मैम आप कब से इनका ग्रेजुएशन में? 2019 से। कितना हुआ? 2.5 चल रहा है। 4 साल में सिर्फ 2 साल मतलब सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है। सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ है। अभी ग्रेजुएशन हम लोग को फाइनल कर में 24 लगेगा। कोई वैकेंसी आता तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ग्रेजुएशन अगर हो गया रहा तो फाइनल तो कुछ। तो आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? कि जल्दी हम लोग का ग्रेजुएशन फाइनल कर दिया जाए, ताकि हम लोग कोई फॉर्म फिल अप करें। जॉब भी दे, इतना बेरोजगारी हो गया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी। कहाँ से आए? हम रूनी सैदपुर। तो कई लोगों का, करीब करीब सभी का ये समस्या है कि जो 3 साल का सेशन है वो 6 साल में पूरा किया जाता है। और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है ना, बराबर लेट सेशन चलता है। अदर यूनिवर्सिटी के अलावा सही बात बोला, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चलता है काफ़ी दिनों से, जिसके चलते हमारे स्टूडेंट लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। इन्हें बोलना चाहूँगा। क्या बोले हैं? जैसे हम 2019 के बैच के हैं, अब लगता है 2023 में, यानी हमारे 5 साल लास्ट कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन। वही 5 साल वो भी होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान ही भरोसे है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों बड़ी बड़ी है कि नहीं बात? एकदम एकदम सही बात है। सबका यही कहना है। वेल, इसी के कारण से लोगों को जॉब नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, बेरोजगारी दर बढ़ती है। जॉब की बात मैम, जॉब की बात अपनी जल्दी होगी नहीं मैम, जॉब अपनी बात जगह पर है, ठीक है। क्लियर बात है, जब हम सेशन कम्प्लीट नहीं करेंगे हमें कोई चीज में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तक हमारे पास डिग्री नहीं, देखिए दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आजकल डिग्री की मान्यता होती है। रियल में आज हम भी पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री के लिए ही कर रहे हैं। यस या नो? यस यस। तो डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और डिग्री मिलेगी इसके बाद में उनको कोई काम फाइनल हो पाएगा, किसी में अप्लाई कर पाएंगे, कहीं आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए भी अब क्या बोलते, ग्रेजुएशन क्लियर कर दिया है। बिना ग्रेजुएशन के आप विदेश नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये नया रूल किया है अब तो प्रधानमंत्री जी का है, बट आई थिंक मैं इतना ही करना चाहूँगा। थैंक यू। आज मेरा लास्ट डे था। कल लास्ट है, कल लास्ट है, कल लास्ट है। फिल्म करता हूँ तो आई एम जर्नलिस्ट होने पास। थैंक यू।